Hi friend, subscribe the channel and turn on the notification bell and get updates on your smartphone. Be updated. दोस्तों आप जब YouTube पे जाते होंगे तो आपने कुछ ऐसे एनिमेटेड वीडियो आजकल ट्रेंडिंग में देखे होंगे, तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताता हूँ कि आप ऐसे वीडियो कैसे बना सकते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है जिमेश और स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल जिमेश। तो दोस्तों आपने ये एनिमेशन वीडियो देखा होगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एनिमेशन वीडियो, और आप सोच रहे हो कि मुझे भी एक एनिमेशन वीडियो करना है, अब मैं एक एनिमेशन वीडियो कैसे बनाऊँ। तो नॉर्मली जो एनिमेशन वीडियोज़ होते हैं उनको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और उनके अंदर का प्रोसेस भी बहुत होता है। आपको एक एक कैरेक्टर बनाने के लिए आपको महीनों लग जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊँगा जो कि आप अपने स्मार्टफोन से, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से आप कार्टून मूवी बना सकते हो। अगर आपकी डबिंग अच्छी है, आप अच्छे कैरेक्टर को एक आवाज़ दे सकते हो तो आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे और आप अपना खुद का एक कैरेक्टर बना सकते हो और उसको डबिंग करके आप एनिमेटेड मूवी बना सकते हो दोस्तों। तो आगे इस वीडियो में देखते रहिए, मैं आपको एप्लीकेशन बताऊँगा और ये बताऊँगा कि आप किस प्रकार से आप एनिमेशन मूवी बना सकते हो और आप यूट्यूब पर पैसे कमा सकते हो। क्योंकि नॉर्मली दोस्तों आपने यूट्यूब पर आजकल देखा होगा कि एनिमेशन मूवी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे, कुछ कुछ कार्टून कैरेक्टर लोग ला रहे हैं, उसके पीछे डबिंग कर रहे हैं और बहुत सारे उनको व्यूज़ मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी अगर एक अच्छे डबिंग आर्टिस्ट है या आप दो चार आवाज़ निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली आप भी ऐसा कर सकते हैं और आप भी अपनी एनिमेशन मूवी बना सकते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम ये होता है दोस्तों कि हम सिर्फ कार्टून मूवी देखते हैं बट हमको ये भी पता नहीं होता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है और उसके पीछे कितने दिन लगे। बट दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं, अगर आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपके दिमाग में कोई स्टोरी है तो आप उसको ये एप्लीकेशन के थ्रू आप फटाक से आप 10 मिनट में आप अपनी एक एनिमेटेड पिक्चर बना सकते हैं। उसके लिए आपको कार्टून डिज़ाइन करने की, कैरेक्टर डिज़ाइन करने की, आपको अपने पीसी में या कुछ हाईफाई सॉफ्टवेयर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और आपको अपने दिमाग में जो चल रहा है उसको वो एप्लीकेशन के थ्रू आपको एनिमेशन में आपको प्रोसीड करना है और आपकी एनिमेशन फिल्म दोस्तों आपकी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए आपको सिर्फ वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें आपका लोकेशन ढूंढना है, आपका कैरेक्टर प्लेस करना है आपको उसकी जगह पे और आपकी स्टोरी दोस्तों रेडी हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपका जो स्टोरी है, आपका स्टोरी पैनल क्या है, तो उसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिल जाते हैं और आपको बहुत सारे लोकेशन मिल जाते हैं जिसके हिसाब से आप अपनी स्टोरी को बेस कर सकते हो। आपको जो कैरेक्टर चाहिए आप वो चूज कर सकते हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब आप उसको एक, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट 10 मिनट में या 5 मिनट में आपकी स्टोरी बनके रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और काफ़ी मैंने भी अभी यूज़ की है और शायद मैं भी फ्यूचर में इस पर वीडियो करूँगा, एक मैं भी एक स्टोरी बनाऊँगा अगर मेरे माइंड में कोई कॉन्सेप्ट आता है तो। बट फिलहाल आप ये एप्लीकेशन देख लीजिए और अगर ये एप्लीकेशन आपके काम आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई। और दोस्तों आपके कमेंट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का नाम है टूनटास्टिक, ये आपको प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगी एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप जो उसके फ्रंट पेज पे आएंगे, आपको पहला पेज आपको ये दिखेगा, आपको प्लस साइन पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है जहाँ पे आपसे स्टोरी पूछेगा कि आपकी स्टोरी शॉर्ट है, क्लासिक है या आपको कोई साइंस रिपोर्ट जैसी स्टोरी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट पे सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद ये मुझे पूछेगा कि लाइक अभी ये 3 स्टेप दे रहा है, आपका बिगिनिंग है, मिडल है और एंड है। तो मैंने बिगिन पे स्टार्ट किया अभी, तो ये मुझे कुछ डेमो देगा पहले, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ स्क्रीन पे क्लिक करके। फिर यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि आपको कौन सा लोकेशन चाहिए, तो मैंने एक ये थोड़ा ऑफिशियल, थोड़ा साइंस टाइप एक लोकेशन मैंने ये कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ऑफिस का लोकेशन ले लिया है। तो ये लोकेशन लेने के बाद मैं यहाँ पे कैरेक्टर चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ लोकेशन के हिसाब से कुछ कैरेक्टर, और यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ कैरेक्टर मेरे, तो मैंने एक ही कैरेक्टर ले लिया है। सो अब मैं दूसरा कैरेक्टर ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे कैरेक्टर ले सकते हैं और फिर आप उनको जहाँ चाहे वहाँ पे उनको प्लेस कर सकते हैं। आप उनको, आपको जस्ट स्क्रीन पे क्लिक करके उसको मूव करना है यहाँ से वहाँ पे।
काफ़ी इजी है ये सॉफ्टवेयर। जस्ट आपको रैंडमली आपको पकड़ पकड़ के कैरेक्टर जगह पे फिट करने और आपको उसको मूव करते रहना है। इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं है, आपको जस्ट कैरेक्टर पे क्लिक करना है तो वो कुछ मूवमेंट करेंगे और आप इजीली उनको एक स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को किए बगैर मत जाइए दोस्तों। मैं आपके लिए फ्यूचर में ऐसे प्यारे प्यारे से ऐसे टेक और ट्रिप्स लाते रहूंगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो दोस्तों। अभी तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।